सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। कुल्लन कुल्लन कहता है कुल्लन। जुमले को बुनियाद बना के जेलम के मिर्जा ने मेरे खिलाफ एक क्लिप वायरल की। वेले बैठे ने ये शख्स कुरान से कितना जाहिल है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जा पूछ क्या। इसे मस भी नहीं कुरान से। वाह सदके। रिवायात में खोया रहता है ना, रिवायात में तहकीक करता रहता है, खोया रहता है। ये हदीस को रवायत कह के तारीख कह के रद्द कह रहे होते हैं। हदीस कहते हैं लोग इनको लेतर मार के मेम्बरों से उतारे। ये जो रवायत और जब तारीख बोल रहे हो ये बुहारी मुस्लिम को कह रहे होते हैं, ये नहीं मानते उसको। ये परवेजियों से भी गए गुजरे आना उन गेड़े च। कुरान के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, जिहाद निरा जायज है। मनु पे दस दे रहे। तू कुरान में तारीफ करता है? कुरान में जिन आयतों में मुनाफिकीन का जिक्र है वो सहाबा पे फिट करता है? मैं तुम्हें क्या सी मनु ना छेड़ा करो। मैं पहले तो बाउंड्री तो बाहर सुटता सा ना, हूं मैं प्लैनेट अर्थ तू बाहर सुटांगा। तुहानू उत्थे पहुंचा देंगा इथों जिथे तुहाडे मामू जा चुके अगले जान च। हाँ मामू मामू करदे पिछे पहुंचोगे उत्थे कि साड़ी मंजी ठोक दी थी एक बंदे ने। जुमला जो मैंने बार बार दोहराया जिसकी तकलीफ हुई वो जुमला ये था। क्या? सहाबा तारीखी और किताबी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात है। तो सरकार फिर रुक जाओ। हाँ फिर दस देने सर उन इंजीनियरिंग हो चुकी है करना रुक जाओ। सहाबा को दो गिरोह में तकसीम किया कुरान ने। सूरत हदीद की आयत नंबर 10 में तूने अपने कलिम में कहा सहाबा की तीन कैटेगरियां हैं। सही कह रहे। कुरान सहाबा की दो कैटेगरियों का जिक्र करता है, फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले। मकाम फतह मक्का से पहले ईमान लाने वालों का ज्यादा है, वो अफजल है, आला है, बरतर है, लेकिन कुल्लन कुल्लन कहो जोर से कहो कुल्लन कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना कुल्लन कहो यार कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। तेरा उन कुल्लन में कटना हुआ साहबे कराम को तो अल्लाह ने आला दर्जे की डिग्री दी है। सूरह तौबा के अंदर والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار سبقت لے گئے جو پہلے پہل مسلمان ہو گئے خواہ وہ مہاجرین ہیں یا انصار اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی پھر اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضو عنہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی راضی جن سے اللہ ہوا ہے وہ ہے سابقون الاولون اور احسان کے ساتھ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں اس کا مطلب ہے جو احسان کے ساتھ پیروی نہیں کریں گے وہ نہیں اس کے بعد کہا کہ مدینہ اور اہل مدینہ میں پکے منافق موجود ہیں اور وہ اتنے کٹر ہیں کہ نبی تم بھی انہیں نہیں پہچانتے ہو اللہ پہچانتا ہے لیکن قانوناً उनको सहाबा ही कहा जाता है। कानून सही मुस्लिम में 7035 नंबर हदीस है। नबी ने फरमाया मेरे असहाब में 12 मुनाफिक हैं, वो उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक के सुई के नाके से ऊंट न गुजर जाए, यानी इम्पॉसिबल। ये मिसाल दी जाती थी अरब में ना, कुरान में भी सूरतुल अराफ में ये मिसाल आई है। ये जो नबी इस्लाम का एक करीबी रिश्तेदार उबैदुल्ला जिसके साथ सैयदा उम्मे हबीबा की शादी हुई थी और हुजूर का सहाबी था, हिजरत हबशा में हबशा भी गया यानी साबिकून अल अव्वलून में, तो इनको तो रदी अल्लाह ने कहा कुरान में साबिकून अल अव्वलून हो गया। हबशा जाके अल मुस्तदरक अल हाकिम में पूरी डिटेल मौजूद है, ये जाके ईसाई हो गया और ईसाई मरा मुर्तद हो गया। साबी भी साबिकून अल अव्वलून में से भी, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला की बहन उम्मे हबीबा का खामद भी, इतने टाइटल उसको, मुर्तद होके मर गया। इसीलिए जब वापस आई तो हुजूर ने दिलजोई के लिए फिर उम्मे हबीबा से खुद निकाह किया, वो उम्मुल मोमिनीन बन गई। आपके नजदीक तो उसको मुर्तद नहीं होना चाहिए था, अल्लाह से राजी हो चुका था। हाँ जी दसो हूं वो मौला साहब कहते हैं सूरतुल हदीद में दो कैटेगरीज बयान हुई हैं, फतेह मक्का से पहले और फतेह मक्का के बाद। सर ये जो दो कैटेगरीज हैं ये और हैं, फतह मक्का से पहले और बाद वाली, ये उन लोगों के लिए जो कामिलुल ईमान है और उनके अपने मामलात बाद में सही चलने हैं उनके लिए है कि जो पहले वाले हैं वो बाद वालों से बेहतर हैं, ये उनके लिए कुल नन आया, वरना है बाकी पड़ेगा। और वो किधर गए जो सूरह तौबा की आयत नंबर 102 में है कि मिले जुले अमाल करने वाले हैं, अल्लाह उनको बाद में देखेगा कि वो क्या करते हैं। और कानूनन जो बीच वाले 101 वाले मुनाफिकीन और 100 नंबर वाले साबिकून अल अव्वलून। हां उन दसो